आप सब अच्छे होंगे। सो अभी हम आए हैं परब और एक दिन आए थे हम बीच में नहीं, बट उस दिन हमने दर्शन नहीं किए थे क्योंकि लेट हो गए थे। और यहाँ पे क्या है कि अंदर जाते हैं तब निकलने को नहीं मिलता है ना आरती के टाइम। हाँ, शाम को आरती के टाइम जब भी आते हैं तो आरती में बैठना पड़ता है, तो अगर आप बैठे तो पूरी आरती बैठना पड़ता ही पड़ेगा। और बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर हम कृष्ण को लेके नहीं आए थे, ऐसे ही घूमने आ गए थे। और अंदर स्ट्रिक्टली शूट अलाउ ही नहीं है, हाँ। तो आपको जस्ट बाहर से दिखाएंगे हम। हाँ, अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, इवन मोबाइल से फोटो शूट करना भी अलाउड नहीं है। सो फिर हम आपको बाहर से ही दिखा देंगे। चलो दिखाते हैं। हाँ चलो दिखाते हैं। और बस कृष्ण मस्ती कर रहा है अभी, मैं हाँ उसे खिलौने कहीं भी जाता है तो बस उसे खिलौने ही लेने हैं। सो चलो हम जाके आते हैं, दर्शन करके आते हैं। हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। ये मंदिर परब धाम से जाने जाता है और ये मंदिर जूनागढ़ जिले में बैसाण के पास आया हुआ है। बैसाण से 3 से 4 किलोमीटर ही दूर है, तो जब भी हम लोग बैसाण आते हैं तो दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीन समय में यहाँ सर्वंग ऋषि का आश्रम था और अभी भी उनका यहाँ पे धुना है। और यहाँ पे मंदिर के ऊपर की ओर शिवालय है और नीचे संत देवीदास बापू, अमर माता, जशापीर, वरदान पीर, सादुल पीर, कर्मण पीर, अमरीमा, दानेव पीर और साई सेलानी बापू की समाधि है। और मंदिर का कैंपस तो बहुत ही बड़ा है। हम थोड़ी देर बैठे, बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। गाइस ये देख रहे हो वो अंदर का टेंपल है और अंदर से तो कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हम फिर वहाँ पे तो कुछ शूट नहीं हो पाया। फिर ये हमने बाहर से लिया है और ये है मेन टेंपल। ये बहुत ही बड़ा है और अंदर की बात करें तो बहुत ही जोरदार था, नहीं जाना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। उसके जो स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत जबरदस्त है। और गाइस आप जब भी आओ तो यहाँ के दर्शन करने ही चाहिए और आना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। हम तो आते हैं यहाँ पे और यहाँ से स्टार्ट होता है इनकी वाड़ी है ना चीकू की। बहुत सारे चीकू के पेड़ हैं। हाँ पेड़ है, ट्रीज है बहुत ज्यादा है। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं गाइस, ये आप देख सकते हो ये ट्रीज स्टार्ट हुए। अषाढ़ी बीज होती है वहाँ, तब यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है। और तब तो सच बोले तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि क्या बोले यार, चल के आना पड़ता है बैसाण से तो, है ना। ग्रीनरी भी कितनी ज्यादा है आप देख सकते हो। सो कृषि के पापा हमें लेके आए हैं यहाँ पे, वहाँ से आए तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर खड़े रहते हैं। तो आप देख सकते हो चीकू के ट्री है, अभी इसके सीजन नहीं है क्या? हाँ छोटे छोटे है, कृषि के पापा उसे ले जा रहे हैं और वो दोनों जा रहे हैं चीकू के ट्री के पास। सो गाइस यहाँ परब धाम के आसपास ये चीकू की वाड़ी है, बहुत सारे पेड़ है। तो कृष्ण को देखना था चीकू, तो मैं दिखाने के लिए आया हूँ। जो आप देख सकते हो कृष्ण के चीकू को देख रहा है। नहीं अभी कच्चे है बेटा, ये देर लगेगी ना पकने में, तो हाँ सीजन आएगी तब पक जाएंगे। कैसी है वाड़ी? जो आगे भी बहुत सारे है, चल दिखाता हूँ। देख वहाँ पे देख ले, चल ये रहे देख ले, तोड़ना मत, जस्ट देखो। चलो अच्छे है ना, अभी कच्चे है वो पक जाएंगे। उसकी नॉर्मली उसकी सीजन चलती रहती है, तो ये जब हाँ नहीं नहीं बड़े हो जाएंगे तब वो पकते हैं बेटा। तो अच्छा लगा ना देख के, चलो तो चले गाड़ी में, चलो चले। तो चलिए दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर और अंदर जाके दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लगा। और बस हमने सोचा कि चलो न्यू ईयर है और
दर्शन भी कर लेते हैं। और घर पे तो पूजा की थी, पर इन्होंने बोला कि चलो हम चलते हैं, यहाँ पे नजदीक या 5 किलोमीटर ही है। सो फिर हमने सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं, बट अंदर का तो ज्यादा शूट नहीं हो पाया। सो आज के ब्लॉग का हम यहीं पे ही एंड करते हैं। और सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।